मैं हूं रवि सती और बात करेंगे कि इस वक्त बात हो रही है कि उस्मान डार के बाद जिस तरीके से सदाकत अली अब्बासी को एक इंटरव्यू में लाया गया डान टीवी के आदिल शाहजेब के प्रोग्राम के लिए और उसके बाद वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, उसमें क्या गुफ्तगू हुई थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि जनाब सदाकत अब्बासी जिस हालत में वहाँ पर लाए गए वो इंतहाई यानी कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि ख़तरनाक सूरत हाल है कि सियासत के नाम पर ये सारा कुछ हो रहा है और फिर उनसे इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। ड्यूरिंग इंटरव्यू वो जज्बात पर काबू ना कर सके जिसकी वजह से दोबारा से उनको उठा के मेकअप तक करवाया गया, उनको कहा गया कि आप अपना फेस साफ करें, आप उन्होंने 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू की, उसके बाद कहा कि जो आपने कलवाना था आपने क्या कलवा दिया, आप मुझे जाने दें। उसके बाद कहा गया नहीं जी नहीं, आपने पूरे घंटे का इंटरव्यू देना है। फिर उनके कहा गया कि थोड़ा सा लाइट गपशप कर लेते हैं कि आप पहले ट्यूशन पढ़ाते रहे, आप बिजनेसमैन रहे, आपकी बच्ची ये कर, मतलब यानी ये गठी करके कहना था कि घंटे का प्रोग्राम बनाया, ये भी बताना था कि जनाब क्योंकि सदाकत अब्बासी खुद आया। लेकिन अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि सदाकत अब्बासी को जिस हालत में लाया गया उसके बाद इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और हैड्स ऑफ टू, मैं समझता हूँ कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो डॉन टीवी के, जिन्होंने स्टैंड लिया इस मामले में कि इस तरीके से अगर आप घटिया हरकतें करेंगे तो ये जर्नलिस्ट पे कौन एतबार करेगा, अगर आप इस तरह उठा उठा के किसी को लेके आएंगे तो फिर हमारे बड़े नाम जो है हम अपने आप को फेस नहीं कर सकेंगे। उन्होंने रिज़ाइन की धमकी दी जिस पर डॉन इंतजामिया जो है वो शदीद उनके ऊपर जो है वो ये प्रेशर रहा जिसकी वजह से इंटरव्यू नहीं चला। लेकिन आप अंदाज़ा करें इंटरव्यू एक तरफ इंटरव्यू की प्लानिंग थी कि चलेगा, रात को चलना था, साथ ही जो है वो मचल के भी तैयार होकर पहुँच गए 50,000 के और रावलपिंडी की दहशतगर्द की जैसे कि अदालतें, ये जनाब मैं आपको नाम ही बता देता हूँ, तो उन्होंने जनाब वो भी कर दिया, जमानत भी दे दी। अब उसमें दहशतगर्दी मतलब इस लेवल की, बहुत बड़ा दहशतगर्द भी था, उसने जलाओ गिराओ भी किया, सारा कुछ किया और साथ ही क्योंकि अभी ये कहना शुरू हो गए हमारे ये जो जस्टिस एंकर हैं, अब इनको भी जस्टिस कहते हैं क्योंकि इनके पास जो जाता है वो कहते हैं जनाब इंसाफ मिल जाता है उसको, उसको उसके बाद किसी जगह भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके घर में या जहाँ कैमरा मौजूद है आप पहुंच गए, आपने इंटरव्यू दे दिया, आप बड़े से बड़े दहशतगर्द भी हैं लेकिन आप उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं। तो ये सदाकत अब्बासी आज़ाद तो हो गया था उनकी नज़र में, लेकिन डॉन इंतजामिया के कुछ यानी जो जर्नलिस्ट हैं वो आड़े हाथों उन्होंने ले लिया और ये मामला रुक गया। आज इसको मैनेज किया जा रहा है, 3-4 एंकर्स के नाम बताए जा रहे हैं, मैं आपको अगली उसमें बताऊँगा कि जिन्होंने रब्ता भी किया, कुछ तो खुद रब्ता करें जनाब मेरे प्रोग्राम ले आओ मैं कर लेना, लेकिन कुछ जो है वो उनकी डिमांड कुछ और है। लेकिन अब जाहिर है सदाकत अब्बासी ने जो गुफ्तगू कर दी है वो लीक तो होगी और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं आपसे अभी तो नहीं शेयर करूंगा, बाद में शेयर करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट टाइम कि मैं उनकी गुजराए जो है वो बता सकूं। लेकिन अनथाई अफसोसनाक बात है, ये बच्चा जबान जद आम है जिस तरीके से आप कर रहे हैं, अगर यही सियासत करनी है और इसी तरीके से नवाज शरीफ को वापस लाना है जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है, आप अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड देनी ही है तो आप जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करिए। बड़ा दिल करें नवाज शरीफ, कहे जी कि बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि कोई भी सियासी गिरफ्तारी हो और आ जाए मैदान में, देखे कि जनाब अगर आवाम वेलकम करती है तो ओके, नहीं करती तो आप बड़े दिल से कहे कि ठीक है जी हम, लेकिन ये इस तरीके से यानी अंपायरिंग अंपायर अपने खड़े करके इस लेवल की जो लेवल प्लेइंग फील्ड ली जा रही है कि आप एक पार्टी को सत्यानाश कर दें, उसको उठा उठा के बंद करें, यानी कोई नाम लेने वाला ना हो, आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ये सूरत हाल चलती रही तो फिर इस मुल्क, या तो ये हो कि जनाब आवाम को चाहिए था महंगाई और मौलाना फजल रहमान यहाँ बाग बाग के आया करता था, मिड टर्म इलेक्शन मांगता था, बिलावल भुट्टो सरकारी गाड़ियों में यहाँ पर उसको हम कवर करते थे और वो कहता था कि जनाब महंगाई हो गई है, जब डॉलर जो है वो 180 का था और पेट्रोल 150 का था और आटा जो है वो 65 का था। आज आप ये देख लें कि कहाँ चीज़ें पहुँची, पूरा मुल्क मफलूज कर लिया गया लेकिन कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही और सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है, तो पूरी की पूरी इस वक्त जो आपकी रियासत है वो सिर्फ ये जा रही है कि जनाब लोगों को गिरफ्तार करें, लोगों को खौफनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है कि अब जिसका भी बिजनेस है, जिसके बच्चे हैं, जिसके वालदेन हैं, वो उसको सीधी सीधी धमकी दी जाती है, उसको उठाया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसके बाद अगर वो आके कोई बात करता है थोड़ी देर के लिए वो हंसता मुस्कुराता है तो उसको ये चेहरा देख के ना कि ये इसके पीछे बहुत सियासत है, और जो बंदा उठाया जाता है 15-20 दिन 2 महीने गायब होने के बाद वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर है कि किस पोजीशन में उस बेचारे को ला के वहाँ पर लाया जाता है। और ये सदाकत अब्बासी हो, उस्मान डार हो, फरख हबीब हो, ये वो चेहरे हैं जो पीटीआई के चेहरे हैं, इनसे लाख आपके हमारी अपनी जाती तौर पर जो है वो सदाकत अब्बासी से इख्तलाफ हो सकता है, सियासत उनकी उनके करीबी तरीन लोगों ने उनको करीब से छोड़ दिया।
लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से शाहिद अकान अब्बासी को भी आवाज उठानी चाहिए थी कि जिस तरीके से उसको उठाया गया, हाँ अगर शाहिद अकान अब्बासी समझता है और बाकी जो उसकी लीडरशिप नजदीक पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा समझते हैं कि सदाकत अब्बासी वाकई बहुत बड़ा दहशतगर्द है, वाकई बहुत बड़ा कोई करप्ट लीडर रहा, देखिए वो उसके लिए आवाम पब्लिक ने भी आवाज नहीं उठा सका। तो इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ये रास्ते हमवार कर दिए, और मुस्लिम लीग नून के जो लोग बड़े सीनियर लोग हैं वो जिस तरह खामोश नजर आते हैं, आप भी रिकॉर्ड में बात करते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, हम किस तरह डिफेंड करें, यानी आज अगर हम ये डिफेंड करेंगे तो कल हमारे साथ भी यही होगा, और ये वक्त दूर नहीं है, ये 2-2.5 माह 3 माह 4 माह की बात होती है, मैक्सिमम 1 माह होता है, उसके बाद फिर नंबर किसी और का आता है।